ही बोला कि भाई मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। देखिए अगर मदद करें तो वो खुद खिलाड़ी और आश्वासन दे रही है तो मुझे लगता है कि उन्होंने करना चाहिए। हमें कोई ना तो हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है ना हमारी किसी और से लड़ाई है, चाहे वो पार्टी है वो चाहे किसी के साथ हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ कुश्ती के लिए बैठे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट को लेकर बोला कि आप लोग खत्म कर दें या हमने उठ जाएं। ये कि हमें न्याय चाहिए, हमने कोई ना तो हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है ना हमारी किसी और से लड़ाई है, चाहे वो पार्टी है वो चाहे किसी के साथ हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ कुश्ती के लिए बैठे हैं। अगर कुश्ती में सब कुछ ठीक हो जाएगा जो एलिगेशन लगे हैं वो उनके ऊपर सीधे लगे वालों को जो सरकार की तरफ से कोई सोल्यूशन लेकर आई थी या वो मैसेज बच्चन भाई कोई मैसेज उन्होंने यही बोला कि भाई मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने बोला कि मंत्री को बुलाएंगे मुलाकात होगी। आप संतुष्ट हैं इस मीटिंग के बाद कि आई यू ए शायद आपकी मदद करेगी इस बार? देखिए अगर मदद करें तो वो खुद खिलाड़ी और आश्वासन दे रही है तो मुझे लगता है कि उन्होंने करना चाहिए। तो हमने ये जरूर कलेक्ट किया कि जब तक सब चीजें ठीक नहीं होंगी और हमें नए ये प्रोटेस्ट आपका अभी भी जारी है। अच्छा वजन भाई, इस मीटिंग से कुछ निष्कर्ष निकला नहीं? जो चीजें बोली उनके काम होगा तो क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि मैं आपको आप लोगों को जो चीजें तो कोई समय दिया है क्या मित्र? जल्दी बोला, जल्दी करने के लिए बोला। अगर वो सारी चीजें जो पीटी ऊषा ने बोली है वो हो जाती तो आप लोग घटना खत्म कर दो। नहीं, अच्छा ये सब करेंगे